हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाना बता रही हूँ जिसको लगाने से आपके बाल लंबे, घने और काले हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल थिक हो जाएंगे। और अगर आपके बाल कहीं पे पैचेस में झड़ गए हों तो वहाँ पे इस ऑयल को लगाकर मसाज करने से आपके नए बाल भी आने शुरू हो जाएंगे, बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये मैंने 2 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो के रख दिया था और इसकी जेल रिलीज़ हो गई है, वो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और एक एलोवेरा लीफ के 1-2 इंच के टुकड़े को मैंने काट कर छील कर उसका पल्प निकाल कर वो भी जार में डाल दिया है। अब मैं ये 5-6 हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल ले लूँगी, उसकी पत्तियाँ तोड़कर मैंने इसमें डाल दी हैं। अगर आपके पास ताजे नहीं हैं तो आप इसका सूखे फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको मैं मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करके इसको अलग रख दूँगी। अब एक पैन में मैंने 100 ml सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदा करता है, इसमें विटामिन ADEK और विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बालों को काला रखने और झड़ने से बचाने के लिए हेल्पफुल है। अब जो मैंने ये मेथी दाना, गुड़हल के पत्ते और एलोवेरा पीस कर रखा था उसको इस ऑयल में डाल दूंगी और हल्का सा गरम करेंगे ऑयल को, हल्का सा बिल्कुल ल्यूक वार्म करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि ये ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए, तब हम इसको रात भर ऐसे ही रखा रहने देंगे। ऑयल में मैंने जो मेथी दाना, एलोवेरा और हिबिस्कस की लीव्स डालकर, गुड़हल की लीव्स डालकर रात भर रख दिया था, ये देखिए ये ऐसे हो गया है, ये सभी चीज़ें नीचे बैठ गई हैं। अब मैंने इसको गैस जलाकर रख दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको बिल्कुल सिम पे बनाना है, बहुत धीरे बनाना है जिससे कि ये जले ना। ये धीरे धीरे ऑयल बनेगा। अब इसमें सभी चीज़ें जो मैंने ऐड की थी उसके गुण इस ऑयल में आ चुके हैं। अब बस इसका पानी का जो कंटेंट है वो सुखाना है, वो लेकिन बहुत धीरे से, धीरे धीरे ही गैस पर इसको सुखाना है। ये देखिए इसमें ये जेल जैसा आ गया है, जैसे कि एलोवेरा, मेथी, ये सब जेल बन जाती है, वो वाला कंटेंट आ गया है। इसी को हमने अभी रिड्यूस करना है, पानी का, इसका पानी रिड्यूस करना है और सिर्फ तेल बचेगा, जब तब हम इसको, तब ये ऑयल रेडी होगा। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर बनाना है। विंटर्स आ रही हैं इसलिए हम इसको सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप इसको सरसों के तेल या तिल के तेल में किसी में भी बना सकते हैं अगर विंटर्स में बना रहे हैं, और यदि आप इसको गर्मी में बना रहे हैं समर्स में, इसको नारियल के तेल में बना लीजिए। ये देखिए ऑयल को मैंने बहुत धीमी आंच पर ही रखा है, लेकिन देखिए इसको कैसे ये इसका वाटर कंटेंट बॉयल होने लग गया है और ये ऐसे हो गया है। इस ऑयल में मैंने कुछ पत्ते नीम के भी ऐड कर दिए हैं। नीम हमारे बालों को फंगस इन्फेक्शन और डेंड्रफ से भी बचाता है और ये बालों में खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये ऑयल बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए अब सिर्फ ऑयल बचा है, इसमें पानी नहीं है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे इसको। अब ये ऑयल बिल्कुल ठंडा हो गया है, अभी हम इसको छान लेंगे। ये ऑयल मैंने छान लिया है। इस ऑयल को वीक में 2 बार
रात भर के लिए लगाएं और उसके बाद सुबह वॉश कर दें। ऑयल को मैंने एक कांच के कंटेनर में डाल के रख लिया है और इसको 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।